ये बताएं वो किस्सा क्या था कि वो लड़की थी जो जिन्होंने इंग्लिश में बात की थी तो फिर आपने कहा कि मुझे तो वो भी समझ नहीं आ रही थी, फिर आपने चैलेंज किया अपने आप को कि मैं सीख के रहूँगा एंड आई प्रूव माय सेल्फ अंग्रेजी। जी ऐसा हुआ था जी। बट इट आल्सो इफ आई मे आस्क यू मेड मी क्यूरियस कि क्या उस एज की वजह से आपको इंग्लिश नहीं आती थी या आप लोगों की स्कूलिंग ऐसी स्कूलिंग तो हम घर में तो अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ये जो अब बोलते हैं जो बोलते हैं अच्छी बात है, मेरे अपने बच्चे फरफर लगे होते हैं। जमाने के साथ इंसान तो बदलता है और इंसान नहीं मुझे वाकई उसने जब एक्सक्यूज मी कहा मुझे नहीं समझ आई। अच्छा तो उन्होंने एक्सक्यूज मी कहा था। हाँ अच्छा मुझे वो वर्ड भूल गया था उन्होंने। मुझे एक्सक्यूज मी के अंदर प्रॉब्लम ये हुई कि मैं अटेंटिव भी नहीं था ना, मैं तो उसको देख रहा था और वो ट्रे लेके आ रही थी तो मैंने खुद ही अस्यूम कर लिया ये तो मेरे लिए ला रही है। अच्छा सारे ग्रामर स्कूल के थे जो आपको पता है। कहाँ थे आप, किस्सा जरा डिटेल में सुनाएं। ये इधर ही डिफेंस में आई ग्रू अप इन डिफेंस। एंड हाउ ओल्ड वर यू? आई वाज इन ग्रेड 6 और 7। ओके ग्रेड 7 आई थिंक 6 7। तो उसने मुझे बर्थडे पे बुला लिया जैसे होता है अब आप आपके फ्रेंड्स के बच्चों के घर है। वो सारे ग्रामेरियंस थे, मैं एक कैंट पब्लिक का था तो आई वाज एज इज नॉट पार्ट ऑफ दैट फिट। आप ऐसा समझ लें कि लाहौर में एचएसोनियंस की एक दावत हो और उसके अंदर कोई रावियन चला जाए सो वन एंड द सेम थिंग राइट, या किंग एडवर्ड से उठ के चला जाए। तो मैं वहाँ चला गया तो मैं तो वैसे ही वहाँ पे एक पर्सोना नॉन ग्राटा था बिकॉज वो सारे क्लास मेट्स थे क्लास फेलोज थे। बस वो मेरी शायद कंसंट्रेशन उस खातून पे ज़्यादा थी। तो उसने एक्सक्यूज़ मी कहा तो वो बेचारी मुझसे रास्ता मांग रही थी तो मैंने कहा ये तो मुझे मैं पता नहीं किस बेख्याली में था। जारी बात है देखें जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं ना तो आप थोड़ा एग्जैजरेट करते हैं तो मैंने कहा जी उसने बोला मुझे समझ मेरा मतलब ये था जो क्योंकि किसी ने इस पर सवाल नहीं पूछा। यूजली मैं मोनोलॉग में बता देता होता हूँ, एक दो बार मैंने जिक्र किया एक मेरी टेड टॉक में मैंने कहा हुआ इस पर। तो मैं समझा मुझे ऑफर कर रही है, मैंने कह दिया नो थैंक यू। तो जो अब आप देखा अब यही तो अलमिया है। शुदा नमाज का अलमिया क्या है लोग समझ नहीं पाए। नहीं देखिए वो सिचुएशन बहुत क्यूट होगी आई थिंक और अब इतनी क्यूट थी कि सब हंस पड़े आपकी तरह। जो बंदा वैसे ही वहाँ पे मिसफिट अपने आप को पर्सोना नॉन ग्राटा समझ रहा है वो तो इतना ऑलरेडी ऑन द एज था उसके आंसू आ गए। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं एडिट में ही निकलवा दूंगी। नहीं ये नहीं निकालूंगी मैं एडिट में नहीं, यही तो रियलिटी है ये क्यों निकालूंगी। मेरा आंसू निकल जाएगा आपकी स्टोरी। अब वो मेरे आंसू आ गए, मैंने अपनी बाइसाइकिल निकाली पैडल करता गया। मैंने कहा आई विल नॉट लेट दिस हैपन अगेन कि मेरा कोई मजाक उड़ाए। और फिर मैंने अंग्रेजी पे तवज्जो देना शुरू की उस जमाने में। खैर चले और ये जो ये किस्सा नहीं बताएं फिर आप तो ऑपोजिट पे चले गए। अंग्रेज गर्लफ्रेंड हो गई आपकी कंप्लीटली जो उर्दू में नहीं बात करती थी। तो मतलब वो रिएक्शन था या बाय चांस हो गया कि आपने कहा कि मैं अब नहीं वो देखें हर देयर इज अ टर्निंग पॉइंट। आप तो क्योंकि कवर करती हैं ड्रामे जो नैरेटिव की बुनियाद होती है वो टर्निंग पॉइंट होती है टर्निंग इवेंट होती है। जब ये होगा तब जाके कहानी आगे बढ़ेगी। टर्निंग इवेंट ही ना आए वो पिवटल पॉइंट ना आए तो कहानी नहीं बन सकती चाहे हमारी ज़ाती ज़िंदगी में हो। क्योंकि ये जो हम ड्रामे बनाते हैं अच्छा या बुरा इसकी डिबेट से बालतर होकर इट इज़ अ फिक्टिशियस अकाउंट ऑफ रियलिटी। क्योंकि अगर उसको वो जितना भी बिजार हो और जितना आउटरेजियस हो उसके अंदर कोई इन्फ्रेंसेस रेफरेंसेस सेम्बलेंसेस रिजेम्बलेंसेस रियलिटी से होंगी वरना तो आप उसे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। रिलेटेबिलिटी की वजह से प्लेटेबिलिटी होती है। तो मुझे वो मेरा टर्निंग पॉइंट था एंड मे बी सो आई मैं तो उसको हमेशा कहता हूँ आई ब्लेस हर यू नो। उसने मुझे शायद अगर मैं 10 साल में बाद ये सोचता मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर दिया। जब आपकी कभी भी इंसल्ट हो उसका जो रिएक्शन होता है वो दो होते हैं, या तो आप सल्क करके रिमोर्स में चले जाते हैं राइट एंड यू लूज कॉन्फिडेंस और यू बाउंस बैक। ये तो वो किस्सा है ना जी। मुझे बड़ा शौक हुआ पब्लिक स्पीकिंग करने का। आज मैं हूँ राइट आई गो अराउंड पाकिस्तान। तो मेरा एक दोस्त था उसका नाम पे ना आप हंसिएगा ज़ियाउल हक। तो पर ये वो वाले ज़ियाउल हक साहब नहीं है मेरे। उसकी उर्दू बहुत अच्छी थी, इकबाल डे आ रहा था, तो मेरा बड़ा शौक़ हुआ। तो कोई हम ज़्यादा ईथॉस और वैल्यूज़ तो सिखाते नहीं हैं स्कूलों में, तो मैंने देखा कि मेरी उर्दू तो अच्छी नहीं है, तो क्यों ना ज़िया को कहूँ कि मुझे तकरीर लिख दे। okay. और देख के ही तो पढ़नी है, मैं पढ़ लूँगा, और कुछ मैं अल्फाज मोटे मोटे बीच में से जुमले जो हैं, सतर जो है, लाइंस जो हैं याद करूँगा। जी 9th क्लास में हमारा डिबेट का कॉन्टेस्ट हुआ कैंट पब्लिक स्कूल कराची में, मेरी बारी आई, मैं जिन्ना हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अब चेयरपर्सन हैं हारिस खलीक, वो मेरे हाउस कैप्टन थे, मेरे सीनियर थे। okay. मैं उनके हाउस को रिप्रेजेंट करते हुए, हारिस को क्या पता था कि उनकी मैं इज्जत डुबोने के लिए मैं स्टेज पे चढ़ गया। वो अच्छा था, मेरा कैप्टन था, हाउस कैप्टन, उसने मुझे चांस दे दिया। तभी देखें, अच्छा था ना, आज भी ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। सो ही इज़ लाइक दिस फ्रॉम चाइल्डहुड। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें चांस देता हूँ। मैं गया, मैं जनाब स्टेज पे खड़ा हुआ, अब कोई ज़्यादा लोग नहीं, 201 लोग होंगे, और मैंने, मुझे आज तक याद है, मेरा नाम आया, मैंने इकबाल डे पे बात करनी है, वेरी एक्साइटेड, और मुझे था कि ये तो मैंने जीतना है। मैंने पहला जुमला, मुझे आज भी याद है तकरीर, मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा माजी के औराक गवाह हैं। औराक क्या था मुझे नहीं पता, और मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई पोडियम के पीछे, रोस्टर के। अब मैं कंफ्यूज हो गया, जैसी मेरा वो पॉज आया कन्फ्यूजन का, आगे बैठ के कुछ लड़कों ने गिगल किया, वो दूसरे हाउसेज वाले थे। मैं जिन्ना में था, सैयद था, बाबर था, इकबाल था। इकबाल डे का स्टेक ज़्यादा था, इकबाल डे था तो इकबाल हाउस का स्टेक ज़्यादा था, तो जिन्ना हाउस को जो मेरे फिर टांगे कांपने लगी, और फिर मेरे से इतना भी नहीं हो पाया कि मैं नज़र चुका के पोडियम पे रखे पर्चे को पढ़ लूँ। okay. पार्ट 2, रोना आ गया, स्टेज से उतर गया। okay. और मेरे कानों में आज भी वो कह कह गूंज रहे। तो मैंने वादा किया कि मैं बोलने को, अपने आप को एक्सप्रेस करने को मैं आइंदा भी कभी कमज़ोरी नहीं बनने दूंगा, और उर्दू मेरी कौमी ज़ुबान है। और आग क्या, मुझे लातदाद ऐसे अल्फाज हैं जिनके मायने और मफहूम समझ आने चाहिए, ताकि मैं उसका बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकूं, ताकि मैं अपने ख्यालात का इजहार बेहतर कर सकूं। सो ऐसे तो लातदा, तो होता क्या है कि बचपन में ऐसी बहुत चीज़ें, अच्छा, एंड दे आर क्यूट एंड दे आर ब्यूटिफुल एंड दे आर स्मॉल लिटिल फेलियर्स, दे आर स्मॉल लिटिल हिंड्रेंसेस एंड दीज आर हर्डल्स, बट दे आर देयर सो दैट यू बिकम अ बेटर पर्सन एंड लर्न फ्रॉम इट एंड नॉट होल्ड अगेंस्ट पीपल। जो हंसा उसका शुक्रिया, और वो जो सारे ऐसे उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज़माने की तलखी आप में नरमी पैदा करती है, सख्ती नहीं।